कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉप एमसीक्यू सीरीज ऑफ कोको, जहां पर हम जानते हैं कि एमसीक्यू के माध्यम से आपका पूरा सीजीपीएससी का कोर्स कवर करा रहे हैं। एमसीक्यू के माध्यम से करने का आपको बेनिफिट तो मालूम है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को क्वेश्चंस को निकाल के उसको सॉल्व करके आपको अपकमिंग एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछने की संभावना है वो आपको एक आइडिया होगा, और उसके साथ में जो भी आपके टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट है आपका वो भी साथ में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास एचसीएफ है, जिसको हम बोलते हैं मासा, मतलब महत्तम समापवर्तक, और दूसरा एलसीएम, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्ती। ये कॉमन चीज़ हम जानते हैं, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम क्या होता है एक बार हल्का सा बेसिक नज़र ले लेते हैं किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये जो वर्ड हमारे पास बना है एचसीएफ, ये इसका फुल फॉर्म हमारे पास होता है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक, और इसी को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। मासा इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है, महत्तम समापवर्तक। अब ये होता क्या, महत्तम हाईएस्ट मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ा, समापवर्तक मतलब समान अपवर्तक, समान अपवर्तक, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर लिया 12 और 18, मैंने ये दो नंबर लिया। अब 12 किस किस से भाग जाता है, 12 आपका भाग जाता है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से जाता है। 18 किस किस से भाग जाता है, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से भाग जाता है। तो ये इसके अपवर्तक हुए, मतलब फैक्टर हुआ। अगर आपको जो दिया हुआ नंबर है वो जिस जिस नंबर से डिवाइड होगा वो उसका फैक्टर होगा, वो उसका अपवर्तक होगा। तो अब यहाँ पर ये है इसके अपवर्तक हो गए, वर्ड आया है कॉमन फैक्टर मतलब समान अपवर्तक। समान मतलब क्या क्या हुआ, एक, दो, तीन और छः, ये इसके समान अपवर्तक हो गए। अब यहाँ वर्ड आया सबसे बड़ा हाइएस्ट मतलब, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो वर्ड जो आया है नंबर वो यहाँ पर क्या है, छः, तो छः इसका यहाँ पर क्या होगा, महत्तम समापवर्तक हमारे पास होगा, मतलब वह सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी तरह विभाजित करे वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारा कहलाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, ठीक। नाउ द सेकंड पोर्शन वो आता है एलसीएम, एलसीएम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती, जिसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती। अब ये जो वर्ड आपका आया है लघुत्तम समापवर्ती, ये आपका लघुत्तम समापवर्ती जो वर्ड आया है वो आपका किससे, लघुत्तम मतलब क्या हो गया, सबसे छोटा हुआ, लघु मतलब छोटा और लघुत्तम मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा, द लीस्ट, द लोवेस्ट वैल्यू। समापवर्ती जो बनता है ये वर्ड हमारा बनता है समान अपवर्ती से बनता है, समान अपवर्त्य से बनता है, ठीक, ये बनता किससे, समान अपवर्त्य से बनता है। अपवर्त्य मतलब यहाँ पर मल्टीपल, ठीक, हम जो बचपन में मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़े वही वाला। अगर सपोज मैं नंबर लिया 12 और 18 लिया, तो 12 का अगर मैं टेबल पढ़ा तो क्या क्या होगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीस 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 चौक 72 और इसी वे में कंटिन्यू होगा। 18 का लिया तो 18, 18 एकम 18, 18 दुनी 36, 18 तीय 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90 और इसी वे में भी यहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यू होगा, ठीक है। अब कॉमन क्या आया, कॉमन 36 आया और यहाँ पर क्या है 72, कॉमन 36 और यहाँ पर क्या है 72, 36 और यहाँ पर क्या आया 72,
तो अब यहाँ पर बात हो रहा है लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 36, 36 क्या होगा इसका LCM होगा, लघुत्तम समापवर्ती हमारे पास होगा, मतलब वह सबसे छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूरी तरह विभाजित होती है ये हमारे पास होगा लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। अब इसका बेसिक मेथड आप जानते हैं LCM कैसे निकालते हैं, हमारा लॉन्ग डिविजन मेथड हुआ और प्लस हमारे पास क्या हुआ जो फैक्टर मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड, उस तरीके से आप LCM निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन में और तरीके सीखेंगे कि LCM क्या होता है और उसके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछता है। एक बार इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द HCF ऑफ 12/25, 8/25 और 8/15, 12/25, 8/25 और 8/15 का आपको क्या निकालना, महत्तम समापवर्तक, ठीक। कभी भी आपको प्रश्न आपको जो दिया है अगर आपका वो भिन्न के रूप में दिया है, ये आपको किस रूप में दिया है, भिन्न के रूप में आपको दिया है। सपोज भिन्न आपका दिया हुआ है, जो आपका भिन्न दिया हुआ है A/B, C/D और E/F, ये आपका फ्रैक्शन के रूप में दिया है। तो जब भी ये फ्रैक्शन के ऊपर रूप में देगा तो ऊपर यहाँ पर क्या होता है, ये चीज़ होता है हमारे पास अंश, ऊपर होता है अंश और नीचे यहाँ पर क्या होता है हर। अगर मान लो आपका ये जो दिया है अगर आपको इसका महत्तम समापवर्तक मतलब HCF पूछा है तो उस कंडीशन पे क्या होगा, ये जो ACE होगा इसका हम निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, और जो नीचे में दिया हुआ है B, D और F आपको ये दिया है इसका हम निकालेंगे LCM लघुत्तम समापवर्तक, ठीक। इस कंडीशन में क्या होगा, इसका ऊपर का जो होगा मतलब जो चीज़ पूछा है उसको ऊपर निकालेंगे, उसी के जस्ट ऑपोजिट कहाँ निकालेंगे, नीचे निकालेंगे। तो ACE का अपन निकालेंगे HCF और BDF का क्या निकालेंगे, LCM। अच्छा अगर सपोज आपको इसमें इसकी जगह इसका आपका लघुत्तम समापवर्तक पूछा है तो उस सिनारियों में क्या हो जाएगा, A होगा, C होगा, E होगा, ये जो ऊपर का अंश दिया है इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे LCM, और ये जो नीचे में दिया है B, D और F दिया है, ये आपको दिया है इसका हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे HCF। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिया है 12/25 दिया हुआ है, 8/25 दिया हुआ है, 8/25 आपको दिया हुआ है और साथ में दिया हुआ है आपको 8/15 आपको दिया हुआ है, आपको निकालने बोला है इसका महत्तम समापवर्तक HCF। तो ये जो है इसका हम निकालेंगे HCF और ये जो 25/15 इसका है इसका निकालेंगे LCM, ठीक है। तो जब 12/8 और 8 का हमने HCF निकाला तो ये आया 4 और इसका हमने लघुत्तम निकाला तो आया 75, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4/75 ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी से मिलते जुलते एक और नया क्वेश्चन बताऊंगा आपको। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स लोग बोल रहे थे कि सर आप सॉल्व करने का टाइम देते नहीं हो, तो पहले आप तुरंत आंसर सॉल्यूशन करना चालू कर देते हो, तो जिनको लगता है कि हाँ भाई ऐसा है कि ये क्वेश्चन का इसका आंसर आ सकता है तो पहले सॉल्व कर उसका आंसर अपने पास लिख सकते हैं और साथ में मैचअप कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसका एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक। चलो इसका एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सपोज आपको दिया है 1.8 दिया है, 0.18 दिया है और आपको दिया है 0.036, सपोज आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। अब किस फॉर्म में, इससे पहले जो आपका दिया था, इससे पहले यहाँ पर क्या था आपका, ये किस फॉर्म में था, आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में था और अब जो है ये आपका डेसिमल के फॉर्म में है। पॉइंट दशमलव ये हम जानते हैं, अगर पॉइंट के बाद एक नंबर रहता है तो नीचे में 10 लगता है, 2 होगा तो 10, 2 होगा तो 100 और 3 होगा तो 1000। तो ये जो 1.2 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 12/10, फिर लिख सकता हूँ 18/100 और इसको लिखा जा सकता है 36/1000, ठीक है। इसमें ये गलती मत करना कि आपके पास ये भिन्न के रूप में आ गया है कि ये आपका, ये जो आपका आया है ये A/B, C/D और E/F के फॉर्म में आ गया, फिर अपन अंश और हर का करते हैं, ऐसा गलती बिल्कुल मत करना। और ऐसा भी नहीं करना कि इसको काट के हम इसको 6/5 कर दिए, ठीक है, आंसर में बहुत वेरिएट होगा। तो इसका सिंपल सा तरीका बता रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा,
सबसे पहला काम क्या करेंगे इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो आपके ज़ीरो हैं, ज़ीरो को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। ज़ीरो को इक्वेट करेंगे मतलब क्या होगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़ीरो है, कितना है, तीन ज़ीरो है, तो हम ये करेंगे कि सभी के जो आपका हर होगा डेनोमिनेटर होगा उसमें सभी में यहाँ पर क्या हो जाए, तीन तीन ज़ीरो आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास दो ज़ीरो है, एक ज़ीरो लगा के बराबर कर लिए, यहाँ पर एक ज़ीरो है, दो ज़ीरो लगा के यहाँ पर बराबर कर लिए, ठीक है। अब मान लो हमको पूछा है इसका, मान लो सपोज इसका हमको पूछा है HCF पूछा है, तो हम ये तीनों का हमने HCF निकाला और उसका जो HCF निकला वो कितना निकला, 4 निकला, और नीचे इसका हमने निकाला LCM निकाला और इसका LCM कितना निकला, 1000 निकला, इससे डिवाइड किए तो 0.004, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा HCF होगा। अब अगर सपोज सेम कंडीशन में LCM बोलेगा तो ऊपर की संख्याओं का हम निकालेंगे LCM और नीचे की संख्याओं का निकालेंगे HCF, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न दिया है, ये आपको दिया है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दिया है 11 और उनका लघुत्तम समापवर्तक दिया है 7700। यदि संख्याओं में से एक 275 है तो आपको दूसरा निकालना है, ठीक है। दो नंबर का HCF LCM गिवन है, एक नंबर दिया आपको, सेकेंड नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको दो संख्या दिया है तो पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर HCF, बराबर यहाँ पर क्या होता है, बराबर उनका महत्तम समापवर्तक इंटू इनका लघुत्तम समापवर्तक होता है, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है HCF इंटू यहाँ पर क्या होगा LCM, ठीक। तो दो संख्याओं का गुणन, अगर आपको दो संख्या दिया हुआ है तो दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके महत्तम समापवर्तक और उनके लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। तो हमारे पास चार कंपोनेंट हो जाएंगे, इस चार कंपोनेंट में यहाँ पर क्या होगा, एक कंपोनेंट मिसिंग होगा और तीन कंपोनेंट दिया होगा और जो मिसिंग वाला हमको वही निकालना है। तो यहाँ पर आपको महत्तम दिया हुआ है 11, लघुत्तम दिया हुआ है 7700 और एक नंबर दिया हुआ है 275 और आपको दूसरा नंबर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन देखें तो पहला संख्या महत्तम कितना दिया है, ये आपको दिया है 11 दिया है और ये आपको दिया है 7700 आपको गिवन है। मान लेते हैं पहली संख्या आपको गिवन है 275 और जो दूसरा नंबर है उसको मैं ले लेता हूँ x, तो इस तरीके से हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 11 गुणित 7700 डिवाइडेड बाय 275। 11 एक बार में, 11 25 बार में, 25 से डिवाइड करेंगे तो 408, ये हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है दो संख्याओं का योग आपको दिया है 156 और उनका महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 13, ऐसे युग्मों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। ऐसे युग्मों की यहाँ पर क्या करना है, आपको संख्या ज्ञात करना है, ठीक। यह आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ अपने पास, दो संख्याओं का HCF कितना दिया हुआ है 13, है ना, और उनका योग कितना दिया हुआ है 156। संख्याओं का HCF दिया 13, तो ऐसा हम ले लेते हैं कि जो संख्या है ना वो 13x और यहाँ पर क्या है 13y के फॉर्म में, क्योंकि हमको दिया ही HCF यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमको 13 दिया हुआ है, तो मतलब जो दी हुई संख्या होगी 13 से पूरी तरह विभाजित होगी, तभी तो उसका HCF है ना। और यहाँ पे योग दिया है, योग दिया मतलब 13x प्लस 13y बराबर इज इक्वल टू 156 दिया, दोनों में कॉमन 13 हुआ, x प्लस वाई इक्वल टू 156 और x प्लस वाई इक्वल टू 156 अपॉन 13, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा 12, मतलब जो x प्लस वाई जो लिया है उसका वैल्यू कितना हुआ हमारे पास 12 हुआ। अब ये 12 कैसे योग में बन सकता है, क्योंकि योग दिया है तो हम क्या करेंगे, प्लस में लेंगे, बहुत बार आपको देगा इसमें गुणनफल के रूप में देगा तब हम गुणनफल में देंगे, ठीक है। उसका भी क्वेश्चन हम समझते हैं कैसा होगा, ये होगा 1 प्लस 11 हो सकता है, ये आपका 2 प्लस 10 हो सकता है, हमको 12 बनाना है दो संख्याओं के योग में, ये आपका हो सकता है 3 प्लस 9 हो सकता है, ये आपका 4 प्लस 8 हो सकता है, ये आपका 5 प्लस 7 हो सकता है और ये आपका 6 प्लस 6 हो सकता है। तो
तो हमारे पास इतनी संख्याओं के जोड़े हैं हमारे पास, ठीक है ना। अब इसमें अगर मैं 2 और 10 लिया तो ये किससे भाग जाता है, 2 से भाग जाता है, तो ये जोड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको ऐसे संख्याओं का जोड़ा लेना है जो सह अभाज्य हो, क्या हो, को प्राइम हो। और को प्राइम का कंडीशन हम जानते हैं कि आपके जो 2 संख्याओं का पेयर देगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 से भाग जाना चाहिए, किसी अन्य संख्या से भाग आपका नहीं जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ये नहीं होगा, ये संख्या 3 से भाग जाता है इसीलिए ये भी नहीं होगा, ये संख्या 4 से भाग जाता है इसलिए ये भी नहीं होगा, ये संख्या 6 से भाग जाता है इसलिए ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास 2 ही युग्म बचेंगे, एक युग्म बचेगा 1+11 के युग्म बचेगा, और दूसरा युग्म बचेगा 5+7 का। हमारे पास ऐसा कितना युग्म बचेगा, हमारे पास 2 युग्म बचेगा, और वो युग्म क्या हुआ, हमारे पास 2 युग्म। तो पूछा है कि 2 युग्म कौन कौन सा होगा, कितने युग्म होगा, तो हमारे आंसर कितना हो जाएगा, 2 युग्म। और अगर सपोज आपको ये पूछा है कि पॉसिबल संख्या कौन कौन सा हो सकता है, वह संख्या कौन कौन सी हो सकती है, महत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है 12, तो 12 एकम कितना हुआ 12, और 12 × 11 कितना हुआ 132। तो आपके पास वो संख्या 12 और 132 हो सकती है, या 12 × 5 कितना हुआ आपके पास हुआ 60, और 12 × 6 कितना हुआ 72। तो आपके पास क्या हो सकता है, वो संख्याएं 60 और 72। बहुत बार आपको सिर्फ युग्म पूछेगा, और ये आपको पूछ सकता है कि उन संख्याओं का जो आपका जो पॉसिबल संख्या है आपको, वो भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इस प्रश्न में यहाँ पर क्या थे, हमको योग दिया था, क्या दिया था, योग दिया था। तो हमने यहाँ पर क्या, इनको योग के रूप में लिया। अब अगर सपोज इस योग की जगह हमको वो पूछा है गुणनफल के रूप में पूछा, मान लेते हैं वो गुणनफल के रूप में पूछा, तो हमारे पास क्या हुआ, हमने डिवाइड कर दिया। मतलब अभी हम क्वेश्चन को सिर्फ वो नहीं ले रहे हैं, एच एफ 13 यहाँ पर वो नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अगर हमको लास्ट में जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब कितना आता है 12 आता है। तो उस कंडीशन में एक तो होगा 1 × 12, एक होगा 2 × 6, और 1 × होगा 3 × 4, इस 12 के फॉर्म में आएगा, तभी तो सबका मल्टीपल यहाँ पर क्या होगा 12 होगा। अब ये जो 2 और 6 है ना, ये 2 से भाग जाता है, तो ये पेयर के रूप में नहीं होगा। तो संख्याओं का पेयर कौन सा होगा, एक 12 का, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और 4 का होगा। तो गुणनफल में बोलेगा, तो याद रखना गुणनफल में, और जब योग बोलेगा तो कॉमन कॉन्सेप्ट होगा कि आपको जो युग्म मिलेगा ना, आपको जो युग्म मिलेगा वो संख्या आपस में सहअभाज्य होना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 4, 5, 6, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित होता हो। तो कहीं पर भी प्रश्न में आपको बोला है कि वहां बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट लार्जेस्ट, आपको है ना, आपको यहां पर हाईएस्ट अधिकतम संख्या, महत्तम, हाईएस्ट लार्जेस्ट आपको जब भी बोलेगा तो याद रखना आपको निकालना है HCF, मतलब महत्तम समापवर्तक निकालना है। और जब आपको बोलेगा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बोलेगा, लीस्ट बोलेगा, या फिर आपको बोलेगा मिनिमम बोलेगा, तो उस सिनारे में क्या करेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे उसका LCM। तो याद क्या रखना है, जब आपको बोलेगा सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो आपको निकालना है महत्तम समापवर्तक, और जब आपको बोलेगा सबसे छोटी संख्या निकालना है तब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक, ये चीज़ को याद रखना, ठीक। तो बोला ही हमको यहाँ पर क्या बोला है, स्मॉलेस्ट नंबर बोला है, तो इसका मतलब 4, 5, 6, 15 और 18 का आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, आप इसका निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक आपको निकालना आता है। चलो ये पहला बार है इसलिए मैं निकाल के बता देता हूँ, अगली बार अपन डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो ये 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 15 हुआ, 18 हुआ। सबसे पहले मैं पहले ऐसी संख्याओं को देखूंगा, ऐसी संख्या देखूंगा जो सभी से सभी नंबर को डिवाइड करे, पूर्णतः विभाजित करे सभी को। हमको ऐसा कोई संख्या तो मिल नहीं रहा जो सभी को डिवाइड करे, ठीक है। फिर ऐसी कौन सा नंबर है जो सबसे अधिक नंबरों को डिवाइड करे, तो वो 2 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 2 × 5 × 3 × 3 × 15 × और क्या हो जाएगा 9 × अब 2 से किए तो 1 × 5 × 3 × 15 × 9 ×
अगेन थ्री से किए तो वन टाइम, फाइव टाइम, वन टाइम, फाइव टाइम और थ्री टाइम। अगेन थ्री से किए तो वन फाइव, वन फाइव, वन और फाइव से किए तो फाइनली हमको सब में यहाँ पर क्या मिल रहा है, वन वन मिल रहा है। तो इसको तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि हमको लास्ट का जो यहाँ पे जो सबसे लास्ट वैल्यू कितना मिल जाए, सब में क्या हो जाए, वन वन ना मिल जाए, तब तक हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब इन सबको गुना कर लेते हैं। दो दुनी चार, चार तिया बारह, बारह तिया छत्तीस, छत्तीस पंचे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका इन संख्याओं का सबसे छोटी संख्या जो 4, 5, 6, 15 और 18 से पूरी तरह विभाजित होती है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 180, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। याद रखना, जब आपको बोलेगा सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो हमेशा एचसीएफ निकालेंगे, और जब सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो हम निकालेंगे एलसीएम। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 एवं 24 से भाग जाता है। अब न्यूनतम संख्या बोला है तो हम ये तो समझ गए कि जब वर्ड आपका न्यूनतम बोला है, लीस्ट बोला है, तो हम ये समझ गए हैं कि हमको उसका एलसीएम निकालना, ये तो हम समझ गए। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, वो संख्या क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर संख्या होना चाहिए। कोई भी नंबर जब परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, वो नंबर के दो पेयर होंगे। अगर सपोज मैं बोला 5 × 5, 25 क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि इस 25 के 5 और 5 के दो पेयर बन रहे हैं। अगर सपोज मैं बोला 121 तो ये हो जाएगा 11 × 11, क्योंकि 121 के दो सेम नंबरों के यहाँ पर क्या बन रहे हैं, पेयर बने, इसलिए वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो हमको उस पूर्ण संख्या बनाएंगे तो हमको जोड़ा होना जरूरी है। ठीक है, क्या होना जरूरी है, जोड़ा होना जरूरी है। तो 16 लिख लिए, 20 लिखे और 24 लिखे, अब इनका हम एलसीएम निकालना चालू करते हैं। ठीक, ये सभी के सभी 4 से डिवाइड होंगे, तो वो वाली गलती मत करना। स्टार्टिंग हमेशा क्या करना है, सबसे छोटी संख्या को ही लेके चलना। तो 2 से भाग किया तो 8 हुआ, 10 हुआ और 12 हुआ। फिर मैंने 2 से भाग किया तो 4 हुआ, 5 हुआ और 6 हुआ। फिर 2 से भाग किया तो 2 हुआ, 5 हुआ और 3 हुआ। फिर 2 से किया तो 1 आया, 5 आया, 3 आया। फिर 5 से किया तो 1 आया, 1 आया और 3 आया। और यहाँ पर फिर 3 से किया तो 1, 1 और यहाँ पर क्या आया, 1 आया। तो 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, ठीक है ना, 16 पंचे कितना हुआ, 80, 80 तिया कितना हुआ, 80 तिया 240। हमारे पास इनका जो LCM है, महत्तम समापवर्तक कितना आ गया, 240, ये हम समझ चुके हैं। लेकिन वर्ड आपका बोला है पूर्ण वर्ग संख्या, तो दो दो का जोड़ा चाहिए। यहाँ पर इसका जोड़ा मिल गया है और इसका जोड़ा मिल गया है। ये इनका जोड़ा मिला है क्या, एक 5 का और ये 3 का, 5 का और ये 3 का, ये दोनों का आपको जोड़ा नहीं मिला है। अगर इसमें इन सीक्वेंस में अगर मैं इनको 5 और 3 दे दूंगा तो उनका जोड़ा मिल जाएगा और संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसीलिए इस 240 में 5 × 3 मतलब 15 का अगर मैं गुणनफल करूंगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा 3600। और ये 3600 क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होता है। और ये किसका वर्ग होता है, 60 × 60, 60 का वर्ग होता है। तो जब बोलेगा वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3600 हमारा आंसर। इसी में अगर सपोज आपको घन संख्या बोलेगा तो हम यहाँ पर क्या बनाए थे, दो दो का पेयर बनाए थे ना, घन में यहाँ पर क्या बोलेगा तो तीन तीन का पेयर बनाएंगे, बस वही होगा और कोई चेंजेस नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 और 28 से विभाजित होती है। ठीक है, यहीं पर हम मैं दो कॉन्सेप्ट बता दूंगा आपको, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या वाला भी कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा। ठीक, जैसे आपको बोला है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 और 28 यहाँ पर क्या होती है, विभाजित होती है। ठीक है, उससे पहले कॉमन एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो ये है
कि अगर मैं एक नंबर लिया 45, ये जो 45 है ये क्या 8 से भाग जाता है? क्या 8 से भाग नहीं जाता? 8 से पहले ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 45 से पहले ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 8 से पूरी तरह विभाजित होगी? तो हम यहाँ पर बोलेंगे 40, ठीक है। और मैं बोला 45 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 से विभाजित होगी, तो हमारा आंसर आएगा 48, ठीक है, क्योंकि 8 छक्के 48 होता है। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ इस 45 में अगर मैं 5 को माइनस करता हूँ, 5 को अगर माइनस करता हूँ ये संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इस 45 में अगर मैं 3 को जोड़ता हूँ तो उस कंडीशन पे ये संख्या 48 प्राप्त होगा, यहाँ पे 40 प्राप्त हुआ और ये संख्या यहाँ पर क्या होंगी, 8 से पूरी तरह विभाजित होंगी। अब हम कैसे पता करेंगे किससे डिवाइड, किसको सबट्रैक्ट करना और किसको ऐड करना है? उसके लिए यहाँ पर क्या होगा, हम डिवाइड करते चले 45 से, 8 पंचे 40, बचा कितना 5। जो शेषफल था ना, जो रिमाइंडर था, शेषफल मतलब जो रिमाइंडर बचा है, कितना बचा है 5। इस 5 को सबट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स इस 45 में 5 शुड बी सबट्रैक्टेड टू मेक इट डिविजिबल बाय 8। 45 में 5 घटाएंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित होने लायक बन जाएगा और वो 40 बनेगा, ठीक है ना। तभी तो अपन बोलेंगे कि भाई 45 में से 5 गया तो कितना बना, 40 बना। अब जब संख्या जोड़ने का बात करेंगे तो भाजक क्या था, मतलब डिवाइजर क्या था, 8 माइनस शेषफल कितना था 5, तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा 3, तो 3 यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ठीक है, तो हमको जब छोटी संख्या होगी तो हम क्या करेंगे, घटाने वाला काम करेंगे, मतलब उससे पहले वाली संख्या चाहिए तो हम क्या काम करेंगे, घटाने वाला काम करेंगे, और जब हम उसके बाद की संख्या चाहिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ने वाला काम करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे आपके बहुत जगह काम आने वाला ये, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब इसके प्रश्न में आते हैं। यहाँ पर प्रश्न बोला, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 एवं 28 से पूरी तरह भाग जाती हो। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहला काम क्या हुआ, 9, 9, 9 और 9, ये चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। अब इस चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या में मैं शून्य को जोड़ के कुछ भी चीज जोड़ा, शून्य को छोड़ के मैंने कोई भी संख्या जोड़ा तो ये चार अंक नहीं रह जाएंगे, वो बढ़ के 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक वैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आपको चार अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बारे में बात करेगा तो हम घटाने वाला कार्यक्रम करेंगे, और जब यही चार अंकों की सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलेगा तब हम जोड़ने वाला काम करेंगे, ठीक। तो यहां पर क्या बचा है, 12 बचा है, 18 बचा है, 21 बचा है और 28। 12, 18, 21 और 28, तो पहला काम इनका हम निकालते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। 3 से भाग करते चले, 3 से भाग के तो 3 चौक 12, 3 छक्के 3 सत्य और यहाँ पर क्या हुआ 28, ठीक है। 2 से डिवाइड किए, 2 बार में 3 बार में 7 बार में 14 बार में, 2 से किए तो 1 बार में 3 बार में 7 बार में 7 बार में, फिर 3 से किए तो 1 बार में 1 बार में 7 और यहाँ पर क्या हुआ 7, फिर 7 से किए तो 1 1 1 और 1, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 36, 36 सत्य कितना हो जाएगा 252, मतलब इन संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्त्य कितना है 252 आया है, तो इसको मैं 252 से डिवाइड करते चला। 252 3 बार में 756, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 4 और यहाँ पर बचा 3, यहाँ पे अपन 9 को लिए, ठीक, 9 बार में लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 बार ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार में लेके चलते हैं, देखते हैं कितना आता है, इसको 9 बार में लेते हैं, 25 ने 225 हटे, अब इसको 9 बार में लेते हैं, 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1, 9 पंचे 45 और 1 46 का 6, हासिल 4, 9 दूनी 18, 18 4 क्या हो जाएगा 22, ये हमारे पास हुआ, इतना ही आया ना, ठीक है ना, 9 दूनी 226 है, ठीक है। 9 में से 8 गया कितना बचा 1, 13 में 6 गया कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये बचेगा, ये हो जाएगा 1 बचेगा 171। इसका मतलब क्या करेंगे,
ये आपका जो 4 बार 9 दिया है ना, इसमें से 171 को माइनस करते हैं तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 9। तो मतलब 9828, 9828 वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो इस नंबर से यहाँ पर क्या होगा, भाग आपका जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा चलिए, सपोज अब इसी कंडीशन में आपको यहां पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला था, अब इसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की जगह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है, तब यहां पर क्या होगा, सेम कंडीशन आपका जो 252 तक है, 252 तक वैसी का वैसी करेंगे, 252 तक वैसी का वैसी करेंगे। अब 252 को अपन क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड किए, क्योंकि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1000 होगा अपने पास। तो ये 3 बार में कितना हो जाएगा, 756, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 7 गया तो 2। ठीक है, माइनस किए, 252 में से 244 गया तो बचा कितना हमारे पास, 8 बचा। तो इसका मतलब 1000 में 8 जोड़ेंगे तो वो संख्या क्या बन जाएगा, 1008। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या जो 12, 18, 21 एवं 28 से भाग जाएगा तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1008। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपको पूछ सकता है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। जो अगला प्रश्न बोला है, वह सबसे बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 1050, 1250 और 1650 से भाग देने पर क्रमशः 43, 31 और 7 शेष बचता है। मैं पहले बताया था आपको, कहीं पर भी अगर आपको बोलेगा कि वह सबसे बड़ी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या निकालेंगे हम, HCF निकालेंगे, न्यूनतम संख्या, छोटी संख्या बोलेगा तो लघुत्तम समापवर्ती, और आपको बोलेगा सबसे बड़ी संख्या, हाईएस्ट नंबर, तो क्या निकालेंगे, HCF। अगर हमको सिर्फ क्वेश्चन ये आपको बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1050, 1250 और 1650 से भाग देता है, अगर आपको सिर्फ ये बोला है कि 1050, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 1050, 1250 और 1650 से भाग देता है, तो डायरेक्टली हम यहां पर क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है, और ये नंबर क्या हो जाएगा, ये 1050 हुआ, 1250 हुआ और 1650 हुआ, इन संख्याओं को मैं इजीली देख के बता दूंगा, यह संख्या 10 से पूरी तरह भाग जाएगा, 5 से पूरी तरह भाग जाएगा विभाज्यता के नियम से, क्योंकि लास्ट में यहां पर क्या, जीरो, सबके सब 10 से यहां पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सपोज आपको ऐसा नंबर मिला कि वो संख्या जो हम जिसको पता करने में बहुत दिक्कत होगा, वो संख्या का महत्तम क्या होगा या वो संख्या किससे भाग जाएगा ये पता करने में दिक्कत होगा, तो उन संख्याओं को कैसे निकालेंगे, इसीलिए ये प्रश्न आपके सामने लेके आया हूं। ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है और आपको एग्जाम में इतना थाली में परोस के नहीं देगा कि आपको एकदम आसान से संख्या दे और उसका महत्तम समापवर्तक निकालने बोले। ठीक है, तब समझते हैं यहां पर क्या, ये वाला तो इस समझ में आ गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा जिसको 1050, 1250 और 1650 से भाग दिया जाए। ठीक, तो शेषफल समान बचे तो इजीली हम बता देंगे कि इसका एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन यहां पर बात क्या हो रहा है, शेषफल का बात हो रहा है, उस सिनेरियो में यहां पर क्या होगा। तो बोला है कि 1050 से भाग देने पर आपको बच रहा है 43 बच रहा है, और 1250 से भाग देने पर आपको बच रहा है 31 बच रहा है, और 1650 से भाग करने पर आपको बच रहा है, शेष बच रहा है 7। तो इसको माइनस किए तो 1007 हुआ, इसको माइनस किए तो 1219 हुआ, और इसको माइनस किए तो 1643 आपके पास हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आपको निकालना पड़ेगा HCF। और जब 3 नंबर ऐसे होते हैं जिसको हम पता करके देख के पता नहीं कर पाते कि उसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, ये दोनों का अंतर निकाले, 9 में से 7 गया तो कितना बचा, 2, 1 में 0 गया तो 1 बचा, 12 में से 10 गया तो कितना बचा, 2 बचा। ठीक, और यहां पर ये दोनों निकालते, 13 में से 9 गया, 3 में से 9 गया, 13 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 4, यहां पर कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 2, और 16 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा, 4। तो आपके पास क्या बचा है, 214 और 424। तो अंत में आपके पास बचा है 214 और यहां पर क्या बचा है, 424, ये आपके पास बचा है।
ठीक है, ये आपके पास बचा है। अब इन दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालते हुए चलते हैं। तो दो से भाग किए तो यहाँ पर हुआ 106 और यहाँ पर हुआ 106 और यहाँ पर कितना हुआ, हमारे पास हुआ 212। अगेन दो से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, दो से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 53 और ये आपका कितना हो जाएगा 106। फिर भाग करेंगे 53 से तो कितना हो जाएगा एक बार में, और यहाँ पर क्या बचेगा, दो। तो इसका मतलब हम जब ये तीनों को गुना करेंगे, 53 × 2 × 2 = 4, 4 × 53 कितना हो जाएगा 212, 212 इसका क्या होगा, HCF होगा, ये हम समझ गए। लेकिन एक कंडीशन आपके पास होता है, वो इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या होता है कि अगर सपोज आपको, आपको जो नंबर्स आपको दिए हैं, आपको जो भी संख्याएं आपको दी हैं, अगर सभी के सभी, अगर ऑल सभी के सभी क्या होगा, विषम संख्या होगा, ऑड नंबर होगा, तो उसका HCF और उसका जो LCM मतलब उसका महत्तम समापवर्तक और उसका लघुत्तम समापवर्तक, वो भी यहाँ पर क्या होगा, विषम होगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऑड नंबर हमारे पास होगा। और आपको सपोज जो नंबर्स आपको दिया हुआ है, अगर सभी के सभी आपको सम संख्या दिया है, सभी के सभी आपको इवन नंबर दिया है, उस कंडीशन पे HCF और उसका LCM महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, वो भी यहाँ पर क्या होगा, इवन ही आपके पास होगा। लेकिन अगर सपोज संख्याओं में आपका, आपके जो नंबर्स हैं उसमें आपका विषम संख्या प्लस सम संख्या मतलब ऑड नंबर प्लस इवन नंबर का समावेश होगा, उसमें आपको इवन भी दिया, आपको ऑड भी दिया, उस कंडीशन पे क्या होगा, जो HCF होगा वो क्या होगा, विषम होगा मतलब ऑड होगा, और उसका जो LCM होगा वो आपका सम होगा मतलब क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर मान लो सपोज मैं इस कंडीशन के हिसाब से अगर मैं सपोज 15 लिया, 25 लिया और 25, और सपोज यहाँ पर मैंने ले लिया, यहाँ पर मैंने 45 लिया, तो ये तीनों के तीनों विषम संख्या है, तो इसका HCF और इसका LCM ये यहाँ पर क्या होगा, विषम ही आएगा। अगर सभी के सभी मैंने ऑड नंबर, इवन नंबर लिया, मतलब सभी के सभी यहाँ पर क्या, सम संख्या लिया, जैसे मैं 14 लिया और यहाँ पे 40 लिया और यहाँ पे 56 लिया, तो सबके सब यहाँ पर क्या, सम संख्या है, इसीलिए इसका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक भी यहाँ पर क्या होगा, इवन ही होगा। और अगर मैं सपोज 4 लिया, 7 लिया और 12 लिया, तो ये जो संख्या है आपका, इसमें सम संख्या और विषम संख्या आपको मिला के रहा है, उस कंडीशन पे क्या होगा, जो HCF होगा वो यहाँ पर क्या होगा, विषम होगा, और जो LCM होगा वो यहाँ पर क्या होगा, वो हमारे पास क्या होगा, सम होगा, ये हम समझ गए। ठीक, तो उसी सेम कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ पर आते हैं, आपको जो लास्ट में बचा है ना, या आपको जो संख्याओं का निकालना, आपको इन संख्याओं का निकालना है, इन संख्याओं का निकालना है, इन संख्याओं का निकालना है, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर क्या होगा कि आपका इसमें क्या होगा, जो महत्तम समापवर्तक होगा वो आपका विषम आएगा और लघुत्तम भी यहाँ पर क्या होगा, विषम आएगा। लेकिन अंतिम में यहाँ पर क्या बचा है, 212 बचा है, तो हम जब इन संख्याओं में देखें तो विषम संख्या कौन सा होगा, एक ही है, वो यहाँ पर क्या है, 53 है, इसीलिए 53 इसका महत्तम समापवर्तक होगा। और वह सबसे बड़ी संख्या जिसको 1050, 1250 और 1650 से भाग देने पर क्रमशः 43, 31 और 76 बचता है, तो वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 53 हमारा आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपको बोला है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6 से विभाजित करने पर, ठीक है, विभाजित करने पर हमेशा यहाँ पर क्या हो जाए, प्रत्येक बार शेषफल 3 ही आए। ठीक, द फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13 व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5, 6 एंड 7 लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। ये तो हम समझ चुके हैं कि जब हमको ये संख्या बोलेगा, कि आपको जब ये वाली बात बोलेगा कि जब भी कहीं पर लीस्ट संख्या मतलब सबसे न्यूनतम संख्या बोलेगा, तो क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक, ये तो हम समझ चुके हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका 4, 5, 6, 7 दिया, 4, 5, 6 और 7 दिया, इसका हमने लघुत्तम निकाला, LCM निकाला, इसका जब LCM निकाला तो ये आपका LCM हो जाएगा 210 × 2, ये आपके पास LCM हो जाएगा 420, इसके पास क्या होगा, हमारे पास इसका LCM होगा। ठीक, अब कंडीशन बोला लीव्स रिमाइंडर कितना बोला हमारे पास, 3 शेषफल बचना चाहिए, 3 क्या बचना चाहिए, 3 शेषफल बचना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 420 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 423। अगर प्रश्न आपका सिर्फ ये बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचाता हो, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज चेंज है,
वो आपका ये है कि वो किसका गुणज होना चाहिए, आपका 13 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो पहला काम, हम इस 423 को 13 से डिवाइड करके देखते हैं तो हम समझ रहे हैं कि ये नंबर इससे डिवाइड तो नहीं हो रहा है, ये नंबर उससे डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो 420 था, 420 का ही सीरीज चलाएंगे, 420 प्लस 420 कितना हो जाएगा, 840 होगा, 840 प्लस 3 करके देखेंगे तो 843। क्या ये 13 से भाग जाता है? नहीं होगा। फिर अगली बार क्या करेंगे, फिर 420 करेंगे तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, 1260 होगा प्लस 13 करेंगे तो ये हो जाएगा 1273, 12 यहां पर क्या हो जाएगा, 73 ये होगा। तो ये सीरीज क्या होगा, बेसिकली यहां पर क्या होता है, आपको दो या तीन में आपको मिल जाता है ये वाला। अगर सपोज नहीं मिलेगा तो हम एक चीज समझ चुके हैं कि वह संख्या का जो इकाई का अंक होगा सबसे लास्ट होगा वो क्या होगा, 3 होगा, हम ये समझ चुके हैं। और आपको यहां पर एक ही नंबर मिल रहा है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये संख्या 13 से भी पूरी तरह विभाजित होता है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। आपको दिया है चार संख्याएं 10, 12, 15 और 18 के अनुपात में। ये आपको 10 दिया है, 12 दिया है, 15 दिया है और 18 दिया हुआ है, ठीक। और उनका महत्तम समापवर्तक, उनका जो HCF है, उसका जो HCF है वो हमको दिया है, वो हमको दिया हुआ है 3। आपको उसका LCM, पहले यहाँ से और बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। पहला काम, अगर आपको बोला है कि वह संख्या 10, 12, 15 एवं 18 के अनुपात में है, अगर आपको संख्याएं ज्ञात करने बोला है तो पहली संख्या 3 दहम 30, दूसरी संख्या 12 तिया 36, तीसरी संख्या 15 तिया 45 और चौथी संख्या 18 तिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 54। तो हमारे यहाँ पर क्या हो गया, संख्या निकाल गया, संख्या यहाँ पर क्या है, 30, 36, 45 और यहाँ पर 54, ठीक है। हमको निकालना, हमको क्या निकालना, उनका लघुत्तम समापवर्तक। तो हमारे पास संख्या आ गई है, अब इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हुए चलते हैं। 3 से भाग किए तो 10 हुआ और यहाँ पर 12 हुआ, यहाँ पर 15 हुआ और यहाँ पर 18 हुआ, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, 2 से भाग करते हैं तो 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, 6, 15 और 9। फिर हम 2 से करते हैं तो 5, 3, 15 और क्या हो जाएगा, 9। फिर अगेन हम यहाँ पर क्या किए, इसको हमने 3 से किया तो कितना आया, 5, 1, 3, है ना, 5, 1, सॉरी 3 से कह रहे ना, 3 से कितना हो जाएगा, 5, 3 से करेंगे तो 5, 1, 5, 3, फिर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 1, 5, 1, 5 से करेंगे तो अब यहाँ पर लास्ट में सब में एक ही बच जाएगा, ठीक है। ये सबको मल्टीप्लाई कर लिए तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 108 गुणित 5 कितना हो जाएगा, 540। ये इन संख्याओं का क्या होगा, इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य होगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24, 32 और 36 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल 19, 27 और 31 बच रहा है। अब ये हम जानते हैं, हमको बोला है स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, तो ये हम सभी, ये हम पहले ही समझ चुके हैं कि जब आपको बोलेगा सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर निकालने बोलेगा तो उस कंडीशन हम लोग क्या निकालते हैं, उस कंडीशन में LCM निकालते हैं। तो हमने 24, 32 एवं 36 का लघुत्तम समापवर्तक निकाला। क्या निकाला, लघुत्तम समापवर्तक। अब तक तो आप समझ चुके हैं लघुत्तम समापवर्तक किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो हम ये देखेंगे 24, 32 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, 288, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब प्रश्न क्या बोलेगा, आपको बोलेगा वह छोटी से छोटी संख्या निकालना जो 24, 32 और 36 से भाग करने पर भाग किया जाए। लेकिन अब कंडीशन यहाँ पर बोल रहा है कि अगर मैं उसको 24 से, 32 से और यहाँ पर 36 से भाग कर रहा हूँ तो शेषफल कितना बच रहा है, यहाँ बच रहा है 19, यहाँ पर बच रहा है 27 और यहाँ पर बच रहा है आपका 31। ये बच रहा है, ये दोनों में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, 5 का अंतर है और इसमें कितने का अंतर है, 5 का अंतर। सभी का अंतर समान होता है, अगर सभी का अंतर समान होगा
तो ये जो बचा हुआ संख्या ये आपको इससे माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 283, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको बोलेगा वह सबसे छोटी संख्या जिसे 24, 32 और 36 से भाग किया जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 282 में रुक जाएगा। अगर सपोज आपको बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 24, 32, 26 से विभाजित करने पर शेषफल जो रिमाइंडर है अगर बोच रहा है 5 बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारे पास, सिर्फ बोल रहा है 5 बच रहा है, तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे 288 में क्या करेंगे 5 को प्लस कर देंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 293 होगा। लेकिन आपको अलग अलग नंबर देगा और यहाँ पर उसका अलग अलग यहाँ पर शेषफल देगा तो हम सबका डिफरेंस निकालेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इसमें एक और चीज़ आएगा कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें अलग अलग शेषफल आए, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, उस कंडीशन पे क्वेश्चन वहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा या आंकड़े अपर्याप्त है या ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 2, 4, 6, 8 और 10 सेकेंड में अंतराल पर बजती है, 30 सेकेंड में है ना, 30 मिनट में ना, ये आपका सॉरी 30 मिनट में कितनी बार वो एक साथ बजेंगे। ठीक, थोड़ा सा फॉन्ट का है, तो 30 मिनट में वो कुल इतनी बार एक साथ बजेंगे। जैसे सपोज आपके पास अलग अलग घंटी है, ये आपके पास घंटी बोलिए, ये हो क्या रहा है, कभी ये बज 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 रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कभी ये बजा, कभी ये बजा, कभी ये कभी हो जाए, रैंडमली सब ऐसे से हो रहा है। तो इसमें अगर आपको ये क्वेश्चन बोलता है कि आपको बोलेगा कि सब के सब एक साथ कितने बजे बजेगा, पहला क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ से आपके तीन प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलेगा, ये आपको बोलेगा कि सभी के सभी कितने बार बजते हैं एक साथ। ठीक है, दूसरी बार क्या बोलेगा, आपको ये बोलेगा कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आधा घंटा, एक घंटा, तीन घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजेगा, और तीसरी बार क्या करेगा, आपको लास्ट टाइम देगा और हमको पता करना पड़ेगा उस लास्ट टाइम के बाद नेक्स्ट टाइम वो कितने बजे बजेगा। ठीक, यहाँ पर उन तीनों चीजों को समझते हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 2 दिया हुआ है 4 दिया हुआ है 6 दिया हुआ है 8 दिया हुआ है 10 दिया हुआ है और ये 12 दिया है। ये सब आपको किस में दिया हुआ है, ये सब आपको सेकेंड्स में दिया हुआ है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ, ये आपको दिया हुआ है, इसका एलसीएम बताया कितना होगा। ठीक, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो जब हम इनका एलसीएम देखते हैं तो इसका जो एलसीएम आता है 120 सेकेंड, होप अभी तक निकाल लिए होंगे आप, तो 120 सेकंड मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, 2 मिनट। तो अगर आपको प्रश्न बोला है ये कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी तो ये हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 2 मिनट हमारा आंसर होगा, मतलब हर 2 मिनट के बाद वहां पर क्या होगा, वो बजना आपका चालू होगा। लेकिन प्रश्न आपको बोला है कि वो 30 मिनट में कुल कितने बार एक साथ बजेंगी, 30 मिनट मतलब अब हर 2-2 मिनट के अंतराल में हो रहा है, हर 2-2 मिनट के अंतराल में हो रहा है, तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा, 30/2 मतलब 15 बार आपके बजेगी, आपके पास 15 बार यहाँ पर क्या होगा, बजेगा, और यहाँ पर एक और जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16। अब यहाँ पर 16 क्यों हो रहा है, 16 इसलिए हो रहा है कि आपको जब लास्ट टाइम सभी एक साथ बजा था, वो बजना, वो आवाज़ आया तो वो एक बार हुआ और वहाँ से गिनती और 15 बार स्टार्ट हुआ है, इसलिए हमेशा क्या करेंगे, इसमें एक प्लस करेंगे। और अगर सपोज मान लो आपको बोला है कि यह आखिरी बार या लास्ट टाइम सुबह 10:40 पर आपको बजा था, दोबारा एक साथ कितने बजे बजेगा, तो यह आंसर क्या हो जाएगा, 10:42 होगा आंसर। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपका HCF और LCM का। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या बोलेगा, ये क्वेश्चन आपको अलग तरीके से बोल सकता है, ये आपको बोल सकता है कि एक ट्रैफिक सिग्नल में अलग अलग प्रकार की लाइटें हैं, जो लाइटें 2 सेकंड के 4 सेकंड के 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर यहाँ पर क्या होता है, जलती हैं। ठीक है, तो ये बोलेगा कि आपको ये सभी लाइटें एक साथ कितने बजे जलेंगी, कितने मिनट बाद, है ना, या आधे घंटे में कुल कितने बार जलेंगी एक साथ। ठीक, या फिर अगर आखिरी बार सबके सब सुबह 10:40 पर जली थी तो दोबारा कब जलेंगी, ये सब में यही होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान समझिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको बोला है एक रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड, ये आपका क्या दिया, 3.8 मीटर लॉन्ग और 5.2 फीट वाइड। ये आपका रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड है। ठीक है, एक आयतकार यहां पर ग्राउंड आपको दिया,
ठीक है, लंबाई कितना दिया आपके पास? लंबाई आपका दिया, अच्छा इसका लंबाई थोड़ा ज़्यादा दिया, 3.78 मीटर दिया हुआ है, और चौड़ाई आपका 5.25 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसे वर्गाकार टाइल से ढकना है तो उस टाइल के भुजा का अधिकतम मान क्या होगा? ठीक, यहाँ पे हम तीनों चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है? बोलेगा उस टाइल का साइड सबसे मैक्सिमम, जब अपन जब साइड निकालेंगे स्क्वायर का टाइल, मतलब इसके अंदर मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, टाइल्स लगाने, इसके अंदर मुझे यहाँ पर क्या लगाने है, टाइल्स लगाने। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें अलग अलग क्वेश्चन क्या पूछता है, सबसे पहला क्या पूछेगा, जो टाइल होगा टाइल का साइड कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा जो टाइल होगा उसका साइज कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा आपको टोटल कितने टाइल्स लगेंगे, आपको ये बोलेगा। मान लो चौथा क्वेश्चन आपको बोला है कि एक जो टाइल है ना, एक टाइल की कीमत अगर सपोज मैं बोला 25 रुपए है तो कुल कितना खर्चा आएगा। ठीक है, हम यहीं से हम चारों प्रश्नों को देख लेते हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन। तो जब इस तरीके से बोलेगा आपको, मतलब क्या होगा, जो स्क्वायर टाइल लगेगा, अधिकतम बोला है आपको, अधिकतम मान मतलब सिंपल सी बात है, क्या निकालेंगे, LCHCF निकालेंगे। तो ये जो हुआ 3.78 मीटर, ये आपका हुआ 378 सेंटीमीटर हुआ, और ये आपका 525 सेंटीमीटर हुआ। जब हम क्या करेंगे, मीटर से हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसे 100 से गुना करेंगे तो ऑटोमेटिकली डबल पॉइंट, पॉइंट के बाद दो नंबर, पॉइंट के बाद दो नंबर है, पॉइंट कट जाएगा। तो अब ये 378 और 525 का हमने यहाँ पर उसका निकाला HCF, तो इसका जो HCF आएगा, इसका जो HCF आएगा वो 21 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इसका HCF कितना आएगा हमारे पास, 21 सेंटीमीटर हमारे पास उसका क्या होगा, साइड होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताता हूँ और कैसे होगा। अब आपको बोला है साइज, स्क्वायर टाइल बोला है, इसका मतलब क्या होगा, उसका जो लेंथ होगा और उसका जो ब्रेथ होगा दोनों इक्वल होगा, तो उसका जो साइज होगा वो कितने बाय कितने होगा, 21x21 का होगा। ठीक है, अब आपको बोला है टोटल टाइल्स निकालना है, मतलब अब आपको यहाँ पे टोटल टाइल्स की संख्या निकालनी है। अब आपको जो स्क्वायर टाइल्स है वो आपको इसी के अंदर लगाना है, इसी के पूरे में लगाना है, मतलब इस पूरे के अंदर में ऐसे छोटे छोटे टाइल्स लगा ले। तो ये जो पूरा है, पूरा का जो साइज है, पूरे का साइज कितना है, जो पूरा है उसका साइज है 525 × 378, इस पूरे का साइज है, और एक टाइल का जो साइज है वो 21 × 21x21 का है। 21 से काटे तो ये हमारे पास आया 25, 21 से काटे तो ये हमारे पास आया 16, 25 × 16 ये हमारे पास कितना आ गया, 400। मतलब हमारे पास इन सभी को पूरी तरह टाइल से ढकने के लिए हमको कुल 400 टाइल्स लगेंगे। कितने टाइल्स लगेंगे, हमको टोटल 400 टाइल्स लगेंगे। ठीक है, और हमको ये दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, हमको ये दिया हुआ है कि जो एक टाइल है ना, मान लो हमको दिया हुआ है एक टाइल, एक टाइल कितने रुपए का है, 25 रुपए का है, तो आपको 400 टाइल लगेगा, तो आपको कुल खर्चा कितना लगेगा, 400 × 25, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा 25 × 100, 10,000 रुपये लगेगा आपको इस पूरे को अपने को इस टाइल से ढकने के लिए। तो ये आपको यहाँ पर लिखे हो, तीनों क्वेश्चन बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको एग्जाम पूछेगा तो आपको ये तीनों क्वेश्चन ही आपको इस तरीके से पूछेगा, तीन में कुछ भी पूछ सकता है आपको। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। LCM ऑफ टू प्राइम नंबर्स x एंड y इज 161, द वैल्यू ऑफ 3 − x। ठीक है, जब भी आपको अभाज्य संख्या के बारे में बोला है, क्या बोला है आपको, अगर आपको अभाज्य संख्या बोला, आपको प्राइम नंबर्स में बोला, आपको कभी भी अगर आपको अभाज्य संख्या आपको दिया हुआ है, मतलब आपको प्राइम नंबर आपको दिया हुआ है, इस कंडीशन में उन संख्याओं का HCF महत्तम समापवर्तक हमेशा क्या होता है, हमेशा एक होता है। दूसरा,
अगर उनका लघुत्तम समापवर्ती निकालने बोलेगा, LCM निकालने बोलेगा, तो वो हमेशा क्या होगा, वो जो नंबर्स दिया है ना, उन नंबर के किसके बराबर होगा, उनके गुणनफल के बराबर होगा। जो भी संख्या आपको दिया है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, मतलब उनके प्रोडक्ट के बारे में बराबर होगा। तो अगर आपको सपोज़ ये आपको बोल रहा है कि दो संख्या आपके पास एक्स और वाई है, आपके पास क्या दिया है, एक्स और वाई है, और अगर बोलेगा इसका आपको क्या दिया हुआ है, इसका LCM दिया हुआ है कितना, 261 दिया हुआ है, इसका मतलब x इंटू वाई क्या हो जाएगा, 161। क्योंकि ये आपको बता दिया हूँ कि जब भी आपको दो संख्या देगा उनका महत्तम समापवर्तक बोलेगा तो कितना होगा, एक होगा, और जब लघुत्तम समापवर्तक बोलेगा दोनों के यहाँ पर क्या होगा, गुणनफल के बराबर होगा, इसलिए x इंटू वाई कितना हो जाएगा, 161 हमारे पास हो जाएगा। ये पोर्शन यहाँ तक क्लियर। और दूसरा हम जानते हैं कि जिसमें x क्या है, y से बड़ा है, x किससे बड़ा है, y से बड़ा है, तो दो ऐसी संख्या जिनका गुणनफल कितना होगा, 161 होगा, वो हमारे पास दो ही संख्या है, वो है 23 और यहाँ पर कितना दिया है, 7। 23 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7। अब यहाँ पे 23 और 7 दिया, यहाँ पर क्या x y से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो x होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जो x होगा उसका वैल्यू होगा 23, और जो y होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 7। हमको निकालने क्या बोला है, हमको निकालने बोला है 3x माइनस वाई का मान निकालने बोला है, ठीक है, सॉरी हाँ, क्या निकालने बोला है, यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, हिंदी में ठीक है आपका 3y, ठीक है हिंदी में आपका ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंट का थोड़ा सा है, ये जो है ये आपका 3y माइनस एक्स है, ठीक, वी हैव टू फाइंड द 3y माइनस एक्स आपको निकालने बोला है, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका जो है ये आपका होगा 3y माइनस एक्स करेंगे तो 3 × 7 माइनस 23, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 23, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा, और ये हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक, द SF ऑफ टू नंबर्स इज 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द LCM, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट यह है कि जो आपका लघुत्तम समापवर्त्य होगा वह हमेशा महत्तम समापवर्तक से पूरी तरह विभाज्य होगा। पूरी तरह क्या होगा, विभाज्य होगा, मतलब जो आपका LCM होगा वो आपका HCF से हमेशा क्या होगा, हमेशा वो आपका कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो हमको यहाँ पर क्या दिया, महत्तम कितना दिया है 8, क्या 24 8 से भाग जाता है, 8 × 24 8 × 48 8 × 56, लेकिन 8 × 60 को पूरी तरह भाग नहीं करता है, इसलिए ये हमारा आंसर होगा, और ये तीनों हम क्या करेंगे, इसको गलत करेंगे, और ये हमारा सही आंसर होगा। ये आपको बहुत बार ये भी आपको पूछ सकता है कि आपको HCF दिया हुआ, आपको LCM पूछ सकता है, और आपको LCM दिया है कि आपका HCF पूछ सकता है कि कौन सा संख्या होगा और कौन सा नहीं होगा, आपको ये अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, थ्री नंबर्स विच आर को प्राइम टू ईच अदर आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू इज 551 एंड दैट ऑफ द लास्ट टू इज 1023, द सम ऑफ द थ्री नंबर्स, तीन संख्या आपस में सहभाज्य, प्रथम दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 551, और बाकी दो संख्याओं कितना दिया अपने पास, अंतिम दो का कितना दिया हुआ 173, तीन संख्याओं का योग ज्ञात कर रहे हैं, तीन संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम वो संख्या ए बी और क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, तो इसका मतलब ए इंटू बी ये आपको दिया हुआ है 551, और हमको बी इंटू सी ये हमको दिया हुआ है 1073। अब हम तीन नंबर्स में देखेंगे, ये नंबर बीच का नंबर दोनों में कॉमन है, वो नंबर क्या हो रहा है, उसी नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और वही नंबर को थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये नंबर कॉमन हो गया, तो हम क्या करते हैं 551 और 1073 का हम निकालना चालू करते हैं, क्या निकालते हैं,
ये दोनों का हम निकालना चालू करते हैं HCF, ठीक है। अब HCF अगर निकालना चलें, अब ये संख्या देख के हमको यहाँ पर क्या होता समझ में आ गया कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, हमको पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो उस कंडीशन पे यहाँ पर क्या होगा, अब 551 छोटी संख्या है और 1073 बड़ी संख्या, ये बाहर पे जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिविज़न मेथड, ठीक है, भाग विधि बोलते हैं। तो दो बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में कितना हो जाएगा 551, तो यहाँ पर बचेगा दो, यहाँ पर बचेगा दो, और यहाँ पर कितना बचेगा 522 बचेगा, और यहाँ डिवाइड करते चले किससे 551 से, तो ये कितना हो जाएगा 551 से एक बार में हो जाएगा, और यहाँ पे हम डिवाइड करते चले तो ये हमारे पास हो जाएगा 522 बचा, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ पे 29, और यहाँ पर क्या बचा 552। 29 एक बार में कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 12 में से 9 गया तो यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 232। 8 बार में कितना हो जाएगा 29, 8 बार में 232 होगा, तो ये इसका मतलब 29 इसका क्या होगा महत्तम समापवर्तक। तो आपको जो तीन संख्या दिया हुआ है ए बी सी में बीच की संख्या यहाँ पर क्या हो गया 29, ये हमको समझ में, ठीक है। ये नंबर सिस्टम में पूछता है और ये नंबर सिस्टम में पूछता है, लेकिन ये एक्चुअल में क्वेश्चन HCF और LCM का है, जहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका HCF LCM का लगता है, तो ये बहुत बार आपको नंबर सिस्टम में भी सेम क्वेश्चन आपको पूछा रहेगा। तो ये हम समझ गए कि यहाँ पर कितना हुआ 29 हुआ, तो इसका मतलब B वैल्यू कितना हुआ, ये हमारे पास 29 हुआ, तो A कितना हो जाएगा, जब इसको 29 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू कितना हुआ 19, तो इसका मतलब ये वैल्यू 29, पहला वैल्यू यहाँ पर क्या हुआ 19, और इसको जब मैं 29 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 37। तो हमारे पास तीन अभाज्य संख्या आ चुकी हैं, जिसमें पहली संख्या 19 है, दूसरा 29 और तीसरा 37 है। हमको तीनों का योगफल पूछा, तीनों को प्लस कर दिए 9 18, 18 साथ कितना हुआ 25 का कितना हुआ 5, बचा 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 85, ये हमारा आंसर था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर आपके व्यापम और पीएससी में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 55 एंड द HCF एंड LCM ऑफ दिस नंबर्स आर 5 एंड 120 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द सम ऑफ नंबर्स। दो संख्याओं का योग कितना दिया है 55 दिया हुआ है, महत्तम और लघुत्तम कितना दिया 5 और कितना दिया 120, उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है। देखिए HCF कितना दिया हुआ है 5, HCF दिया हुआ है 5, मतलब HCF क्या होता है कि वह सबसे बड़ी संख्या होता है जो दिए हुए संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करता है, और आपको HCF दिया हुआ है 5 और आपको दो संख्या के बारे में बात कर रहा है, तो वो नंबर्स क्या क्या होंगे, वो नंबर्स हम कंसिडर कर लेते हैं 5x और क्या ले लेते हैं 5y, क्या क्या ले लेते हैं 5x और यहाँ पर क्या ले लेते हैं 5y हम ले लेते हैं। दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 55, इसका मतलब पहला कंडीशन 5x प्लस 5y इक्वल टू 120, ये हमको दिया हुआ है, यही हमको दिया हुआ है, ठीक है ना। दो संख्याओं का योग हमको दिया 55, तो 5x प्लस 5y इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 55, दोनों में 5 कॉमन है तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 55, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा 55 बटे 5 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11, ये पहला चीज, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है ना। और दूसरा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ पर दिया हुआ है उनका LCM कितना दिया है 120, 5x और 5y का हम क्या निकालते हैं LCM निकालते हैं, तो इसका LCM कितना हो जाएगा, इसका जो LCM होगा वो कितना होगा 5xy, तो ये हमको कितना हो जाएगा, ये हमको दिया हुआ है 120, ठीक है, ये कितना दिया हमको 120 दिया हुआ है, तो 5 से काटे तो यहाँ पर कितना हुआ, ये हमको कितना हुआ, ये हमारे पास हुआ, ये जो हम देखे तो कितना हुआ 24, तो मतलब x इंटू वाई यहाँ पर क्या हुआ 24, ठीक है। तो इसका मतलब हमको दो संख्याएं निकालना है, इस प्रकार निकालना है कि दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो कितना आना चाहिए 11, और उन दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो कितना आना चाहिए 24, वो संख्या एक ही होगा, वो क्या होगा 8 और क्या होगा 3 होगा, 8 प्लस 3 करेंगे तो 11 होगा,
और 8 और 3 करेंगे तो 8 × 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसीलिए संख्या 8 और 3 के रूप में, तो 5 अट्टे क्या हो जाएगा, 40, और 5 तिया कितना हो जाएगा, 15। तो हमको वो संख्या कौन कौन सा मिला, हमको वो संख्या मिला 40 और क्या मिला, 15। अब हमको बोला उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है। इसका मतलब व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/40 प्लस 1/15 का निकालना है। ये दोनों का लघुत्तम हुआ 120, इससे भाग किए तो 3 आया, और इससे भाग किए तो कितना आया, इससे भाग किए तुम्हारे पास कितना आया, 8 आया, तो 11/120 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका और आसान तरीका बताने वाला हूँ अभी, इसका सेम क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलो सेम क्वेश्चन देखते हैं कैसा होता है, एकदम आसानी से क्या होता है। दो संख्याओं का योग कितना दिया, 55, और HCF और LCM कितना दिया, 5 और 120। HCF दिया हुआ 5, इसका मतलब दो संख्याओं किससे भाग जाएंगे, वो दो संख्या निश्चित तौर पे किससे भाग जाएगा, आपका 5 से भाग जाएगा। तो हम वो संख्या ले लेते हैं 5x, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 5y हम संख्या ले लेते हैं। हमको बोला उनके व्युत्क्रमों का योग, मतलब 1/5x प्लस 1/5y इक्वल टू निकालना है। दोनों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, LCM कितना हो जाएगा, 5xy होगा, और ऊपर में इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा y प्लस एक्स हमारे पास बचेगा। ठीक, हमको निकालना ये सिंपल से, हमको ये निकालना है। अब दिया हुआ हमको संख्या क्या दिया, 5x प्लस 5x और 5y दिया है, तो 5x प्लस 5y किया इज इक्वल टू 120। ये हम इज इक्वल टू कितना दिया, दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 55, 5 कॉमन है, तो x प्लस वाई ये वैल्यू कितना हो गया, 55 हुआ, तो x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, ऑटोमेटिकली कितना हो गया, 11, तो ये वैल्यू कितना आ गया, 11। ठीक है, और हमको दिया 5x और 5y, और जब मैं बात करूंगा इसके LCM की, तो दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, बचा क्या x और y, तो इसका जो LCM होगा वो कितना होगा, 5xy होगा, और ये 5xy हमको कितना दिया है, ये 5xy हमको 120 ऑलरेडी दिया हुआ है LCM के रूप में, तो नीचे कितना हो जाएगा, 120, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अच्छा, अगले प्रश्न में आते हैं, द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2947 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5, 4, 6 एंड 3। 2947 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह संख्या 4, 5, 6, 4 और 3 से पूरी तरह विभाजित हो। आपको शुरू में एक एग्जाम्पल बताया था, इसी सेशन में आपको 45 में क्या संख्या जोड़ी जाए और 45 में कौन सी संख्या घटाई जाए, उसी का कौन से हम लोग क्या किए थे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में किए थे, उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। और ये आपका क्या संख्या घटाया जाए, क्या संख्या जोड़ा जाए, तो बोला है छोटी से छोटी। ठीक, बात किया हमको छोटी से छोटी, तो कहीं पर भी आपको बोला है छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे। तो सबसे पहला क्या करेंगे, लीस्ट नंबर बोलेगा तो LCM, तो हमारा सबसे पहला फोकस हुआ इसका LCM पे, तो इसका जो LCM हुआ वो यहाँ पर क्या हुआ, 60, ये हम समझ गए। ठीक है, तो मतलब 2947 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो संख्या किससे भाग हो, 60 से भाग हो, क्योंकि 60 इन सभी संख्याओं का LCM है। तो अब 60 से इसको डिवाइड करते हुए चलते हैं, तो 24 यहाँ पर क्या हुआ, 97 हमारे पास हुआ, 4 बार में हो जाएगा, तो 240 बचा कितना हमारे पास, 9 और यहाँ पर 7, तो 60 एक बार में कितना हो जाएगा, 60 बचा कितना यहाँ पर हमारे पास बचा, 37। ठीक है, अब अगर मान लो सपोज आपको क्या संख्या यहाँ पर, अगर मान लो आपको बोला यहाँ पर क्या संख्या घटाई जाए, जोड़ने की जगह यहाँ पर क्या बोला, क्या संख्या घटाई जाए, तो डायरेक्टली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 37, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, अवर आंसर विल बी 37। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, हमको जोड़ी जाए बोला है, तो उस कंडीशन पे क्या करते हैं, भाजक कितना दिया हुआ है, 60, शेषफल कितना दिया हुआ है, 37। तो आपको याद होगा उस कंडीशन हम क्या करते हैं, 60 − 37 करते हैं, और ये कितना हो जाएगा, 23। तो बोलेगा कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 23, और कौन सी संख्या घटाई जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 37। क्लियर, ठीक है, आज के सेशन के अंतिम क्वेश्चन में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए आप,
ये आपको बोला है कि एक चक्कर ए बी सी तीन लोग हैं, एक गोलाकार स्टेडियम है आपके पास, एक गोलाकार आपके पास स्टेडियम है, इसमें ये बोल रहा है कि सभी एक ही बिंदु से स्टार्ट करते हैं, एक ही बिंदु से स्टार्ट करते हैं और एक ही दिशा में दौड़ना, मतलब सबके सब मान लेते हैं एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। ए एक चक्कर 252 सेकंड, मतलब पहला आदमी ए जो है वो 252 में चक्कर लगा रहा है, दूसरा आदमी बी है वो आपका 308 सेकंड में चक्कर लगा रहा है, और तीसरा आदमी सी है जो 198 सेकंड में आपका चक्कर पूरा कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको बोला है कितने समय बाद पुनः वे आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे, मतलब जिस जगह स्टार्ट किए थे उसी जगह आपको मिलेंगे। अब इसमें ध्यान देखिएगा कि सबसे कम समय कौन ले रहा है, सी सबसे कम समय ले रहा है, वो कितना ले रहा है, 198 सेकंड ले रहा है। कितना ले रहा है हमारे पास, वो 198 सेकंड हमारे पास ले रहा है। तो ये सबसे कम समय ले रहा है ना चक्कर मारने में, इसलिए क्या होगा, ये बहुत जल्दी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा। और सबसे स्लो कौन है, ये सबसे स्लो है। तो मतलब क्या होगा, जब इन लोग चक्कर मारना चालू करेंगे तो ये सबसे आगे है, ये बंदा यहां पहुंचा होगा, यहां ये पहुंचा होगा, तो ये यहां पहुंचा होगा, ये उसके पीछे पहुंचा होगा, क्योंकि सबसे स्लो है। तो जब चक्कर मारते रहेंगे तो बहुत बड़ा ऐसा कंडीशन होगा कि क्या करेगा, ये जो सबसे तेज है वो दोनों को टाटा बाय करते हुए आगे बढ़ जाएगा। तो ठीक है, तो सब क्या होंगे, आगे पीछे होते रहेंगे, लेकिन एक ऐसा टाइम होगा जब सबके सब वापस क्या होगा, इसी जगह मिलेंगे, जहां से स्टार्ट किया था वापस उसी जगह मिलेंगे। लेकिन तब यह होगा कि जो सबसे तेज है वो सबसे ज्यादा चक्कर मारा होगा, ये सबसे जो छोटा है, जो सबसे स्लो है वो सबसे कम चक्कर मारा होगा, और ये बीच वाला जो बीच का चक्कर मारा होगा। तो ये पहला काम है कि यहाँ पर सब वापस कितने बजे मिलेंगे। तो इस कंडीशन पे क्या निकालते हैं, हमेशा याद रखना, हमेशा हम निकालते हैं इसका LCM। ठीक है, क्या निकालेंगे, LCM। तो हमको दिया क्या क्या है, हमको दिया हुआ है 252 दिया हुआ है, ठीक, फिर कितना दिया है, 308 दिया हुआ है, और फिर कितना दिया है, 198 दिया हुआ है, ये हमको दिया। इनका हम निकालना चालू करते हैं LCM। सब के सब दो से भाग जाएंगे, 126, 154 और 99। 11 से भाग कर लेते हैं डायरेक्ट, 126, 14 और यहाँ पे 9। 9 से भाग कर लेते हैं तो 14 और 1, और अंत में 14 से भाग करते हैं तो 1 और 1। तो ये जो बचा, 11 दूनी 22, 22 गुणित 9 मतलब 198 इंटू यहाँ पर क्या बच रहा है, 14। 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 निया 36 और 3 यहाँ पे 9 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, कैंसिल किए 1 अट्ठे 8 हुआ, ये 9 हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, 1, इतना ही होगा। ये 2, ये 7, ये 7 और ये कितना हो जाएगा, 2। 2772 सेकेंड्स के बाद ये हमारे पास क्या होगा, ये यहाँ पर मिलेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन दिया हुआ हमको क्या दिया, हमको जो दिया ना ऑप्शन किस में दिया, मिनट्स में दिया, मिनट्स और किस में दिया, सेकेंड में दिया हुआ है। तो हम ये जानते हैं कि एक मिनट में कितना सेकेंड होता है, एक मिनट में हम जानते हैं कि 60 सेकेंड होता है, 60 से डिवाइड करते हुए चलते हैं, किसको, 2772 को डिवाइड करते हुए चलते हैं, 60 चौक कितना हो जाएगा, 240, बचेगा कितना, 37, 2, 6 बार में 360, बचेगा कितना, 12, इसका मतलब 40 मिनट और साथ में कितना सेकेंड बचा है, 12 सेकेंड बचा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये था टॉपिक हमारा HCF और LCM। ये सेशन आपने पूरा देख लिया, और आपको आपको लग रहा है कि HCF LCM के और भी क्वेश्चंस कुछ आपको डाउट लग रहे हैं, या पूरे क्वेश्चंस बताएं उसको आपको कहीं पर लग रहा है कि वापस फिर से समझना है, कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आपके लिए क्या रखा गया है, आपके लिए पास शनिवार को विशेष आपको लाइव सेशन रखा गया कोको के टॉप MCQ सीरीज में, जहाँ पर आप पूरे वीडियोस हफ्ते के देख सके और एक दिन हम आपसे लाइव आके जुड़ सके, जहाँ पर आप अपनी जितनी भी शंकाएं हैं, जितने भी डाउट्स हैं उसको दूर कर सके। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।